Welcome back. In this particular video, we are again going to discuss about the solution of chapter number 11, that is social impact of information practice grade 12. And as you know, all the questions are taken from Sumit Arora textbook, and this is part number 3. इसके previous two sessions में हमने already first 15 questions का solution देख लिया है. यदि आपने उन solution को नहीं देखा या आप उसे देखना चाहते हैं, तो ऊपर I button पे मैंने उस video का link आपके साथ share कर दिया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. व्हाट इज साइबर क्राइम, गिव एग्जांपल्स. नाउ वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस टर्म साइबर क्राइम, बिकॉज साइबर का मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, और क्राइम का मतलब ऑब्वियसली इलीगल ऑफेंस की हम बात करते हैं. तो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज जो इंटरनेट के थ्रू ज्यादातर, या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं हमारे आसपास, उनके थ्रू जिनको अंजाम दिया जाता है, दे ऑल कम्स अंडर दिस साइबर क्राइम एक्टिविटी. ये एक जनरल टर्म है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट इलीगल ऑफेंस को हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं. नाउ ये जो डिफरेंट इलीगल ऑफेंस होते हैं, लाइक डेटा थेफ्ट, फिशिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, वायरस डिस्ट्रीब्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैंक फ्रॉड इन द सेंस जैसे आपके एटीएम कार्ड की डिटेल ले लेना या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को ले लेना, तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, दे ऑल आर नोन एज व्हाट योर साइबर क्राइम. और जहां तक बात है इसकी डेफिनेशन की, वी कैन सी दैट साइबर क्राइम इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर सिस्टम, यू कैन से एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनी कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इन द सेंस जहां पे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कई लोग इलीगल ऑफेंस देख करते हैं, कई लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब थ्रू फोन कॉल्स भी हम समझ सकते हैं. सो ओवरऑल इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, दैट इज नोन एज व्हाट योर साइबर क्राइम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ क्राइम विच इज नॉट साइबर क्राइम. ये क्वेश्चन मेरा थोड़े समझ के परे था कि इस क्वेश्चन का सोशल इंपैक्ट से क्या रिलेशन हो सकता है. ऑल्दो अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अपार्ट सोचें, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी क्राइम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हमारी सोसाइटी में. सो दैट जो भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूड नहीं होती हैं, उस तरह के जो भी क्रिमिनल ऑफेंस आप देखते हैं अपने अराउंड में, उनमें से जिसका भी एग्जांपल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं उतना गहराई से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा ये मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज इंटरनेट एडिक्शन, व्हाट आर सम सिम्टम्स ऑफ द इंटरनेट एडिक्शन. नाउ एडिक्शन का मतलब जाहिर सी बात है हम जानते हैं किसी भी चीज की बुरी लत पड़ना. से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, तो कई लोगों को इस तरह की गलत मेडिसिन लेने की आदत पड़ जाती है, ऑब्वियसली उससे उनका हार्म होता है. सिमिलरली नाउअडेज इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जो काफी तेजी से बढ़ रहा है. इंटरनेट एडिक्शन जैसा कि आप देख के ही समझ सकते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में, या हम यूं कहें कि इंटरनेट पे या मोबाइल पे, कोई पर्टिकुलर पर्सन जितना ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहा है, और उस समय के बिताने की वजह से उसकी जो सोशल लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है. इनफैक्ट अगर वो अपना टाइम इंटरनेट पे नहीं बिता पाता है, या यदि उसके आसपास कंप्यूटर सिस्टम ना हो या इंटरनेट ना हो, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं. लाइक वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी कई बार हमें देखने को मिलती है. तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, मीन्स एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करने से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट इंटरनेट एडिक्शन. नाउ इंटरनेट एडिक्शन को यदि हम थियोरेटिकली डिफाइन करना चाहें, तो वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉजेस पीपल टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन इंटरनेट दैट लीड टू सफर अदर एरियाज ऑफ लाइफ, सच एज उनकी सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, एज वेल एज उनका जो वर्क है दैट ऑल्सो मे गेट अफेक्टेड. जहां तक इसके सिम्टम्स की बात है, ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे इंटरनेट पे, ऑब्वियसली दैट इज अ काइंड ऑफ सिम्टम. एंड एट द सेम टाइम इंटरनेट पे जब वो टाइम स्पेंड करता है और उस दौरान वो अपनी अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को निग्लेक्ट कर दे अपनी लाइफ के, दैट इज अगेन अ सिम्टम.
सिमिलरली अगर यूजर जो है अगर उसे इंटरनेट ना मिले तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में या यू कहें कि उसमें डिप्रेशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है या एंग्जाइटी की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. सो इस तरह से ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि वो जरूरत से ज़्यादा यूज करना जब शुरू करता है कंप्यूटर और इंटरनेट तो उसके लिए वो बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज करता है या उसे छुपाने की कोशिश करता है. सो दीज ऑल आर वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज साइबर बुलिंग? नाउ अगेन इट इज अ वेरी यू नो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो हम अपने आसपास आजकल देखते हैं या सुनने को हमें मिलता है. साइबर बुलिंग का ओवरऑल मतलब ये होता है कि किसी को हर्ट करना यूजिंग दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट. एंड इंटरनेट में बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो या पर्सनल मैसेजिंग करना. इस तरह से साइबर बुलिंग का मतलब ये हुआ कि हर्टिंग समवन विद पर्पज यूजिंग यू नो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. और इसके लिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, मोबाइल का, सोशल नेटवर्क का या चैटिंग भी, या इसमें आप मैसेजिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द साइबर बुलिंग. से फॉर एग्जाम्पल आपके ही नाम का सेम अकाउंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रेडी कर लेना और उस सेम अकाउंट में इलीगल से फॉर एग्जाम्पल इमेजेस को प्लेस कर देना. सो दैट इज अ काइंड ऑफ हैरेसमेंट. सिमिलरली अनवांटेड यू नो मैसेजेस को सेंड करना टू हैरेस यू. सो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं इन्हें हम ज्यादातर साइबर बुलिंग में रखते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉपीराइट? नाउ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉमन टर्म है जो हम अपने आसपास सुनते हैं. बेसिकली जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि हम जो भी अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिव वर्क मतलब जहाँ पे आपका अपना खुद का लॉजिक लगता है, तो उस वर्क को सेव करना या उसके लिए आपको अधिकार देना कि आप खुद से डिसीजन ले सकें कि आप इसे किसे देना चाहते हैं, किसे नहीं देना चाहते हैं, क्या आप सेल करना चाहते हैं, क्या कोई और पर्सन परमिटेड होता है आपकी ही प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या यूज करने के लिए. तो इस तरह के जितने भी राइट्स होते हैं दे बेसिकली कम्स इन दिस कॉपीराइट. So in single word we can say it's all about you know your ownership rights. So copyright is a legal term that gives its owner the exclusive right that creator have over their creative work such as literary work. As suppose आप कोई story लिखते हैं, suppose आप कोई book लिखते हैं, similarly artwork आप करते हैं, आप कुछ design करते हैं, आप song बनाते हैं, movies बनाना या software बनाना, तो ये सारी चीजें जो है आपके यू नो कॉपीराइट में आती हैं. अभी रिसेंट की न्यूज़ है, जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी ने सॉन्ग बनाया तो उस सॉन्ग का कॉपीराइट या जो उसकी रॉयल्टीज थी वो लाइफ टाइम जो भी म्यूजिक डायरेक्टर में भी सिर्फ उनका होता था. बट सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी ऑर्डर प्लेस किया है कि जो भी सॉन्ग बना है उसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उन सब का राइट बनता है उसकी रॉयल्टी लेने का. तो इस तरह से ये जो अधिकार हमें दिए जाते हैं या किसी ओनर का ओनरशिप का जो अधिकार होता है अगर आपने खुद का कुछ बनाया हुआ है जहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप रॉयल्टी ले रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, इस तरह की तमाम चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं. और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका पूरा का पूरा रिलेशन होता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट व्हाट आर सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस. तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस की जहाँ तक बात है, मैंने पिछले वीडियो सेशन में जब हम बात कर रहे थे जनरल पब्लिक लाइसेंस की या LGPL की तो थोड़ा इसे डिटेल में डिस्कस किया था. बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर यू कैन से GPL, सिमिलरली वी कैन से LGPL, देन BSD लाइसेंस, MIT लाइसेंस एंड Apache लाइसेंस. तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं जिनका अपना अपना महत्व होता है. सो बिकॉज मैं इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू नो नेम द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग दैट व्हाट आर नेटिकेट्स एंड व्हाई आर दीज इम्पॉर्टेंट. वेल नेटिकेट्स का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि हम अपनी जनरल लाइफ में भी कुछ एटिकेट्स फॉलो करते हैं. एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स.
और जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस दौरान उसके भी कुछ अपने मैनर्स होते हैं या यू कहें कि प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे अगर आपका डेटा ट्रांसमिट होता है सर्वर से क्लाइंट की ओर, तो उस दौरान उस डेटा को ट्रांसमिट होने के लिए भी कुछ नियमों के अनुसार ही मूव होना पड़ता है, और ये जो रूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके भी कुछ सर्टेन मैनर्स हैं, प्रोटोकॉल तो हम नहीं बोलेंगे, या यू कैन से रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो नेटिकेट्स का मतलब, एज यू कैन सी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेट एंड एटिकेट, एंड विच रिफर टू मैनर टू यूज इंटरनेट और वर्किंग ऑनलाइन। और जैसे मैंने आपको बोला, इसके जो एडवांटेजेस होते हैं यदि आप नेटिकेट फॉलो करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि इट मेक्स योर क्लीन डिजिटल पर्सोना। अगर आप रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सी जब भी आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो देर इज़ ए टर्म कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट, जिसे मैंने इस सोशल इम्पैक्ट के वीडियो सेशन में फर्स्ट जो सॉल्यूशन पार्ट बनाया था उसमें डिस्कस किया था। तो इस डिजिटल फुटप्रिंट में मैंने आपको बोला था कि आपकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है उसकी पूरी मैपिंग होती है, और जो कहीं ना कहीं आपके एक डिजिटल पर्सनालिटी को या डिजिटल कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सही तरीके से एटिकेट्स फॉलो करके वर्कआउट करते हैं तो आपकी एक पॉजिटिव डिजिटल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, और जाहिर सी बात है उसके एडवांटेजेस आपको काफ़ी मिलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जॉब के बारे में सोचें तो एक क्लीन डिजिटल पर्सनैलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, अगर आप गुड नेटिकेट्स को फॉलो करते हैं या आप नेटिकेट्स के थ्रू वर्कआउट करते हैं। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट योर साइबर सेफ्टी मींस, अगर आप नेटिकेट्स को फॉलो करें, से फॉर एग्जांपल अननेसेसरली आप स्पैम मैसेजेस पे ना जाएं, आप खुद स्पैमिंग ना करें, आप खुद इस तरह से हैकिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज ना करें, तो उससे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है आप साइबर सेफ्टी में रहते हैं या आप सेफ होते हैं इंटरनेट पे वर्क करने के दौरान। से फॉर एग्जांपल अगर मैं फिशिंग की बात करूं, तो हम जानते हैं कि फिशिंग में अननेसेसरी ईमेल्स हमारी आती हैं, तो आप जब ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आप निश्चित रहें कि आपको कौन से ईमेल को यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इलीगल ऑफेंस से बचाने में। सो कहीं ना कहीं ये साइबर सेफ्टी से भी रिलेटेड है। एंड ऑब्वियसली जब आप नेटिकेट्स फॉलो करते हैं तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है कि कौन उसे देख सकता है, कौन उसे नहीं देख सकता है। तो अगेन ये आपको सेव करता है इलीगल ऑफेंसेस से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 सेइंग दैट व्हाट इज हैकिंग, हु इज हैकर। नाउ इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था हैकिंग के बारे में। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस टू सीक टू एक्सप्लोइट कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन अकाउंट और कंप्यूटर सिस्टम। हमारा कोई कंप्यूटर सिस्टम है या अगर हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क रेडी हुआ है, इसमें कोई इलीगल तरीके से एक्सेस ले ले या आपके सिस्टम के अंदर आ जाए, या आपका जो नेटवर्क है इसमें वो लॉग इन कर जाए और लॉगिन करने के बाद आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करे या आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करे या कहीं ना कहीं आपको हैरेस करे, तो इन प्रोसेस को टेक्निकली हम कहते हैं हैकर। हैकर जो होता है बेसिकली एक टेक्निकल टर्म होता है। हैकर्स आर वेरी साउंड टेक्निकल पर्सनैलिटीज, सो दे आर समवन हु गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा, और ये कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपसे बोला कि आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके डेटा को स्टील करने की कोशिश करते हैं, या जो डेटा कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं या डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ब्रेक भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट हैकिंग एंड हैकर वी कैन से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What are some health concerns related to the excessive use of technology? Well, इसको आप काफ़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। लाइक फर्स्ट यू कैन से इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, ऑब्वियस बात है आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको ये इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली आपको यू नो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो हैंड से जो आपकी उंगलियों से जो बोन्स जाती हैं उनके मूवमेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है।
इसी तरह से आई साइट्स की प्रॉब्लम होती हैं, स्लिपिंग कॉज हो सकता है, और ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इशू भी होता है, लाइक इंटरनेट एडिक्शन यदि आपको हो गया तो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। तो इस तरह के तमाम हेल्थ कंसर्न्स हैं जिसे मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो नाउ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ डज एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ ए कंप्यूटर। ऑब्वियस बात है कि मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से करती है आज की टेक्नोलॉजी, अगर आप उसे एक्सेसिव यूज करें। उसका पहला तो ये है कि आप सोशली अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेते हैं अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। देन आप इस कंप्यूटर या इंटरनेट की वजह से अपनी अदर एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका इफेक्ट आपके वर्क में आ सकता है, आपकी हेल्थ में आ सकता है। और जैसे मैंने बोला, सोशल आइसोलेशन का मतलब ये है, सोशल एक्टिविटीज होती हैं उन पे इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके आसपास कंप्यूटर या इंटरनेट ना हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या आपको डिप्रेशन की फीलिंग्स आती हैं, एंग्जाइटी की फीलिंग्स आती हैं, यू डू नॉट फील कंफर्टेबल। सिमिलरली टेकिंग स्टेप्स टू हाइड द एक्सटेंट, इन द सेंस अगर आप इंटरनेट का एक्सेस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं या आप उससे बचने की कोशिश करते हैं या उन एक्टिविटीज को आप लोगों से छुपाना शुरू कर देते हैं, सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। एंड सिमिलरली आप अपने टाइम को मैनेज करने में अनेबल हो जाते हैं, या उसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं आपके टाइम की या आपकी डेली रूटीन्स की, उसकी स्केड्यूलिंग बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक्सेसिव यूज करने से किसी भी टेक्नोलॉजी का आपके मेंटल हेल्थ पे किस तरह से फर्क पड़ता है। सो दिस इज हाउ ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर सोशल इम्पैक्ट, एंड आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको मदद करेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।